गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.4, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से। और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने हो आपको तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट में एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका एक्स माइनस वन एक फैक्टर है, और उस पॉलिनोमियल में कहीं ना कहीं हमें के गिवन है। देखिए, जैसे यहाँ पर के गिवन है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, सिंस एक्स माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर क्या होगा? ज़ीरो। गुड। फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, सपोज एक्स माइनस वन, सपोज़ क्या इन्होंने गिवन है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? p, और x के साथ माइनस वन है, यहाँ हम प्लस वन लिखेंगे, तो p1 किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के। ठीक है, अब p x ये है और हमें निकालना है p1, दैट मीन्स हम x की जगह 1 पुट करते हैं, तो हो जाएगा 1² प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, एंड नीचे होगा 1² इज़ 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इज़ 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो के इज इक्वल टू माइनस 2 इज़ आवर आंसर। हैव यू गॉट किड्स? If you like this video kids, don't forget to thumbs up. Please thumbs up करना ना भूलें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लगातार मेरी videos को बिना देखे ही dislike कर रहे हैं, and I don't think कि मेरी videos इतनी बेकार हैं कि उन्हें dislike किया जाए। आइए अब हम अपना second part देखते हैं। Here px ये given है तो हम same line लिखेंगे, since x minus 1 is a factor of px, so by factor theorem its remainder, that means p1, should be equal to 0. Okay, are you getting? Now px equal to this polynomial है और हमें find out करना, मतलब हमें यहाँ पे sort out करना है p1, that means हमें x की जगह क्या put करना है? 1, तो हम put करते हैं 2, x की जगह 1 put करेंगे 1² plus k, x की जगह 1 put करेंगे plus √2 equal to 0। वन स्क्वेयर इज़ 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2। के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ उसका आंसर होता है, प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 भी प्लस हो रहा है और √2 भी प्लस हो रहा है के में, तो उधर जाके साइन चेंज करके दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस में, तो माइनस का साइन मैं बाहर लिख देती हूँ क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, 2 प्लस √2 मैंने विद इन ब्रैकेट लिख दिया, एंड दिस इज़ आवर आंसर। हैव यू गॉट किड्स? आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया कोई भी स्टेप तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और लाइक करना और अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1,
तो सिमिलरली हम सेम लाइन लिखेंगे, सिंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो बाय फैक्टर थ्योरम पी वन किसके इक्वल होगा, जीरो के। ओके अब देखिए यहाँ पी एक्स है जिसकी वैल्यू हमें ये गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है पी वन, दैट मीन्स हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, वन पुट करते हैं, के वन स्क्वायर माइनस रूट टू वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए वन स्क्वायर इज़ वन एंड वन को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इसका सॉल्यूशन होगा, माइनस रूट टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू इट सेल्फ इसका सॉल्यूशन है, प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब रूट टू और वन को तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं तो हम k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर है माइनस रूट टू तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस रूट टू, जहाँ है प्लस वन वहाँ जाके हो जाएगा राइट हैंड साइड पर माइनस वन। So this is the required value of k. Have you got kids? आइए अब इसका fourth part देखते हैं। Fourth part में हमें polynomial given है px equal to kx square minus 3x plus k और हमें value किसकी निकालनी है, सब बच्चों को पता है किसकी value निकालनी है हमें, k की। वेरी गुड। और हमें साथ में ये भी गिवन है कि x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो बाय फैक्टर थ्योरम। इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, जीरो के, एंड इसका रिमाइंडर क्या होगा, पी वन। अगर यहाँ माइनस वन है तो रिमाइंडर होगा प्लस वन, और अगर एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर होता माइनस वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ देखिए पी एक्स गिवन है इक्वल टू दिस वन एंड हमें फाइंड आउट करना है p1, ठीक है, और वो है इक्वल टू ज़ीरो के, तो दैट मीन्स हमें x की जगह क्या पुट करना है, 1। आइए x की जगह 1 पुट करें, k x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 3x मीन्स 3 इंटू 1 प्लस k, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 0 के। नाउ वन का स्क्वायर क्या आएगा, वन, एंड के को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो के इटसेल्फ इसका सॉल्यूशन होगा, थ्री वन जा थ्री माइनस थ्री प्लस के इक्वल किसके हैं, जीरो के। दिस इम्प्लाइज नाउ के प्लस के, जिस तरह से हम प्लस करते हैं एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, पता है ना आपको, 2x के। सिमिलरली हमारे पास इस टाइम वेरिएबल है k, कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, k, तो k प्लस k किसके इक्वल होगा, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2k किसके इक्वल होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर k के साथ माइनस हो रहा है 2k के साथ, तो राइट हैंड साइड पे जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा यहाँ से शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ टू के इक्वल टू थ्री, टू यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई सिंबल नहीं है इन दोनों के बीच में, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू अगर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड, दैट मीन्स k विल बी इक्वल टू थ्री
और डिवाइड करने के लिए अपॉन में 2, एंड दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k. आई होप किड्स यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ऑफ इट. इफ़ यू ऑल्सो थिंक सो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.